कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ के पूर्णिया चौराहे से सेक्टर एच रोड का हुआ नामकरण, पूर्व नगर निगम कर्मचारी स्वर्गीय राम नरेश सिंह से नाम से जानी जाएगी ये सड़क। सीएम फ्लाइंग डीएसपी राजेश तेची ने अवैध शराब से भरे दो ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, 1200 पेटी शराब की जब्त। गाजीपुर जिला जेल में दो बंदी रक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन, ट्रांसफर किए जाने से है नाराज। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव खेत में पड़ा मिला, मृतक के परिजनों और ग्रामीणों में रोष का माहौल। गोंडा में बहुओं के निमंत्रण में पहुंचे दलित युवक के साथ मारपीट, खाने की थाली छूने पर की पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सपा प्रसपा विलय और उपचुनाव में मिली सफलता के बाद शिवपाल यादव पहली बार लखनऊ स्थित अपने आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सपा कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की एक बैठक होने वाली थी, जिसमें आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर मंथन होना तय था, लेकिन आज अखिलेश यादव के न आने के कारण इस बैठक को कल के लिए स्थगित कर दिया गया। अपने आवास पर शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं और नगर निकाय चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रहे प्रत्याशियों से भी मुलाकात की। कल सपा कार्यालय पर होने वाली बैठक में प्रत्याशियों की लिस्ट पर मंथन होगा और जो कैंडिडेट दावेदार होंगे उनके नाम पर मुहर भी लगाई जाएगी। के विलय के बाद और बाई इलेक्शन जो हुए हैं मैनपुरी और बाकी जगहों पे, रामपुर का बाई इलेक्शन हुआ, मैनपुरी का बाई इलेक्शन, खतौली का बाई इलेक्शन हुआ, इन तीन सीटों में से दो सीटों पे समाजवादी पार्टी के गठबंधन के जीतने के बाद शिवपाल यादव पहली बार लखनऊ आए हैं। अपने कार्यालय पे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, सपा और प्रसपा दोनों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आगामी नगर चुनाव के लिए रणनीतियाँ भी तैयार हो रही हैं और प्रत्याशी भी जो है जो निकाय चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं वो भी आके शिवपाल यादव से आज मिलते रहे हैं। आज उन्होंने शिवपाल यादव से मुलाकात की है और आज जो मीटिंग होने वाली थी सपा कार्यालय पे वो आज कैंसिल हो गई थी और मीटिंग को कल के लिए स्थगित कर दिया गया था। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच एक मुलाकात होगी सपा कार्यालय में और उसके बाद जो निकाय चुनाव है उस पर मंथन होगा। कार्यकर्ताओं की जो सपा प्रसपा कार्यकर्ताएँ हैं वो सारे वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, मंथन होगा, जिस कैंडिडेट को चुनना होगा दोनों उस पर मंथन करेंगे कि निकाय चुनाव में हर क्षेत्र में कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा प्रभावशाली होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट को समाजवादी पार्टी जो है अर्जित कर सके। उपचुनाव में मिली खबर लखनऊ से है, जहां पूर्णिया चौराहे से सेक्टर एच की जोड़ने वाली रोड का नामकरण महापौर संयुक्ता भाटिया और भाजपा विधायक नीरज सिंह की उपस्थिति में हुआ। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा ने बताया कि सड़क का नामकरण पूर्व नगर निगम कर्मचारी के कर्मठ नेता कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह के नाम से जानी जाएगी। कार्यक्रम में महापौर, भाजपा विधायक नीरज सिंह, क्षेत्रीय पार्षद समेत नगर निगम कर्मचारी मौजूद रहे। बड़ा ही सूक्ष्म वक्तव्य रखूंगा। कॉमरेड राम नरेश जी के स्मृति में यह रोड का जो नामकरण उनके नाम से हुआ, मैं उसके लिए यहां पर उपस्थित हमारी महापौर संयुक्ता भाटिया जी, अंबे बिश जी और यहां पर उपस्थित मैं कहूंगा कि शहर के रक्त धमनियों में रक्त का संचार करने वाले आप सभी कर्मचारी संघ को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कर्मचारी संघ की शुरुआत करने वाले, कर्मचारियों के लिए संघर्ष करने की प्रथम कड़ी हमारे कामरेड स्वर्गीय राम नरेश जी, जिन्होंने नगर निगम और स्थानीय निकाय में संगठन के का निर्माण किया, उनकी और नगर निगम के कर्मचारियों की ये मांग थी। नगर निगम कर्मचारी संघ लखनऊ के निरंतर ये
दो साल से मांग मैंने महापौर जी से चल रही थी कि कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह का जो निवास स्थान है उस स्थान की रोड का नामकरण कामरेड स्वर्गीय राम नरेश सिंह जी किया जाए। तब से मैं महापौर बनी हूँ तब से लगातार मेरे पास ऐसे सड़कों के और गांवों के नाम जिनका कोई नामकरण नहीं था, हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको ऐसे नामों से नाम दिया जाए उनको जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया हो। विशेष रूप से उन्होंने सैनिकों की विशेष चिंता की है कि जिन सैनिकों ने अपने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया उनके नाम से सड़क, उनके नाम से गली, उनके नाम से चौराहा या फिर समाज में ऐसा व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया हो। तो राम नरेश जी ने समाज के लिए कार्य किया, यूनियन नेता होते हुए भी उन्होंने समाज के लिए जो कार्य किया उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उनके नाम से नामकरण करने का नाम का प्रस्ताव आया यूनियन के द्वारा और उसे हमारे सर्वसम्मति से पास हमारे कार्यकारिणी ने किया। खबर फिरोजाबाद से है जहां छात्रों के मामूली विवाद में बेसिक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा 2 के छात्र की जमकर पिटाई कर दी। अध्यापक की पिटाई से घायल छात्र की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने अध्यापक की पिटाई से बच्चे की मौत का आरोप लगाया। बच्चे के शव के स्कूल के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिजनों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और धरना प्रदर्शन समाप्त कराया। बच्चों में लड़ाई हुई है इन्होंने हाथ में जी के ऊपर वो तीन थे अकेला था घर पर ले गए इसमें चला नहीं गया है। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर ये रात भर घबराता रहा परेशानी बनी गई घर जाके गए लौट के आए तब तक थे। कहाँ पे खत्म हो गया? हॉस्पिटल में? हाँ हॉस्पिटल में खत्म हो गया। आज के बच्चा पढ़ने के लिए आया था मैडम दोपहर में 12 बजे के टाइम पर यहाँ से चली गई तो उपस्थित कोई यहाँ था नहीं। बच्चों में झगड़ा हो गया है और कल वो अपने बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भी गए हैं। रात को मैं उनकी मृत्यु हो गई। क्या कारण बनने जा रहा है अभी तक? अभी तक तो कोई मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। खबर गोंडा से है जहां फर्जी जमीन घोटाले के आरोपी सालिक राम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। आरोपी की तबीयत बिगड़ने पर सुबह जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान आरोपी की मौत हो गई। आरोपी की सालिक राम सिंह के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया और जमकर हंगामा भी किया। पुलिस वाले पकड़ी ना उसे पकड़ी उसके बाद लेकर कहाँ ले गए कहाँ नहीं ले गए सुबह सूचना मिली उसको खत्म हो गई। क्या लग रहा है आपको? अब जब देखा हाँ इन्हें ले कुछ तमका बता दी ठीक ठीक रहे कुछ दिख रहे नहीं। कितने साल के थे? मेरी 73-74 साल के थे। कितने बच्चे? लड़की एक है। खबर फरीदाबाद से है जहां सेक्टर 12 HSVP कन्वेंशन सेंटर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नव निर्वाचित जिला परिषद पंचायत समिति ब्लॉक समिति सदस्यों से मुलाकात की, विकास कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 3 दिन में वह 7 जिले की यात्रा करने पहुंचे हैं। उन्होंने महिलाओं की 50% भागीदारी को उपलब्धि के रूप में बताया। कहा कि महिलाओं को चुनकर आने के बाद अपने अधिकारों को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इलाके के विकास को आगे बढ़ाना है। 2024 के लोकसभा चुनाव को गठबंधन के साथ ही लड़ने की जानकारी दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुछ राज्यों को छोड़कर कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो गई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने विकास कार्य न कराने वाले अधिकारियों की सख्त कार्रवाई की बात कही। कार्यक्रम में महिलाओं की कम उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की। चुनाव में जाएंगे और जब भी कोई पार्टी इंडिविजुअल अपना स्थापना दिवस मना रही थी वहाँ जो हमारे पार्टी के संगठन के साथी होते हैं उसका जो सपोर्टर होता है वो अपनी भावना व्यक्त करता है। इस देश में संविधान ने सबको आज़ादी दी है लेकिन आज के टाइम हम गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म ईमानदारी से निकालने में लगे हैं। हरियाणा के खबर लखीमपुर खीरी के जहां ढखेरवा चौराहे के पास तेज रफ्तार बस बाइक सवार को टक्कर मार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए बाद में घायलों को जिला चिकित्सालय लखीमपुर खीरी रेफर किया गया।
खबर कासगंज से है, जहां एक पुत्र अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने अस्पताल पहुंचकर घायल और परिजनों से स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली। अस्पताल प्रशासन को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। जगदीश गिरी, वो हमारे एक चौकी है चंदोज, वहाँ पे काम भी करते हैं, तो वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। इनका कोई पारिवारिक रंजिश है, उन्हीं के बेटे हैं पुष्पेंद्र। अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, और जगदीश जी ने उनके दूसरे बेटे से जो बात किया, उससे ये पता चल रहा है कि पुष्पेंद्र और उनके कुछ साथियों ने पुराने कुछ जमीन के विवाद उसको लेते हुए इनको पहले अपने गाड़ी आल्टो गाड़ी से टक्कर मारी, उसके बाद इनको गोली मारी। फिलहाल इलाज चल रहा है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको विदित कराया जाएगा। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीएम फ्लाइंग के डीएसपी राजेश चेची के नेतृत्व में एक्सरसाइज डिपार्टमेंट की टीम ने सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए अवैध शराब से भरे दो ट्रक गिरफ्तार किए और करीब 1200 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस पूछताछ में आरोपी ट्रक ड्राइवरों के पास ट्रक के कोई कागज बरामद नहीं हुए। डीएसपी राजेश जोशी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए। सूचना है, इस पर संबंधित विभाग, आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर नाकाबंदी की गई, परंतु कुछ देर बाद पता चला कि वो ट्रक किसी और मार्ग से या दशमेश प्लाजा है उसके पास पहुंच चुके हैं, जिस पर तुरंत टीम वहां पे पहुंची है और चेक किया गया तो एक ट्रक मिला खाली, जिसका ड्राइवर वहां पे नहीं था। और जब उसको चेक किया गया तो पता चला कि हथीन डिस्टिलरी से दारू की 1200 बोतलें जो थी वो जानी थी, 1200 पेटियाँ जानी थी झज्जर, जो यहाँ पे आ गया वो। और दूसरे ट्रक के बारे में जब सूचना निकाली गई तो पता चला कि वो पीछे ही दूसरे के स्थान पे वो अनलोड ऑफलोड हो गया था। सर, कल शाम को हमें सीएम फ्लाइंग से की टीम से इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसमें सीएम फ्लाइंग की टीम ने और एक्साइज की टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक गाड़ी डिटेन की गई, और डिटेन किए गए गाड़ी के अंदर लगभग 1200 पेटियाँ मिली हैं, जिनको ऊपर फर्दर कार्रवाई करने पर पता चला कि वो माल झज्जर जाना था, ये डिस्टिलरी से माल आया हुआ है, लेकिन ये फरीदाबाद के अंदर गलत रूट पे पाया गया, जिसकी वजह से इस केस के अंदर एफआईआर करवाई गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां जिला जेल के दो बंदी रक्षक गलत तरीके हुए ट्रांसफर पर धरने पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बंदी रक्षकों ने बताया कि अधीक्षक के सब पर जेल के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा, इलीगल सामान और मोबाइल का उपयोग कैदी कर रहे हैं। आला अधिकारियों के औचक निरीक्षण से पहले जेल अधीक्षक की सूचना पर सभी मोबाइल और इलीगल सामानों को छिपा दिया जाता है। खबर गोंडा से है, जहां बहुबोझ कार्यक्रम में निमंत्रण में पहुंचे दलित युवक के साथ गांव के ही संदीप पांडे, श्रवण पांडे समेत अन्य 8 लोगों ने खाने की थाली छूने पर घर पहुंचकर दलित परिवार के साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित की बहन ने थाने में दलित उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि दलित उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं में आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। क्षेत्राधिकारी तरबगंज को प्रकरण की सघनता से जांच कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। गांव के चाचा हैं, उनके यहाँ बहुभोज का कार्यक्रम था, तो उसमें मेरा छोटा भाई खाने के लिए गया था। खाने का स्टॉल संदीप पांडे के यहाँ लगा था, उनके द्वार पे, तो ये अपने वहाँ बफर लगा था, तो ये लगभग 7:30 बजे अपने हाथ से इसने खाना निकाल लिया। उसके बाद में इसने खाना निकाला, संदीप वहीं पे खड़े थे, उसने कहा कि काहे तुम इसे कच्छुल को काहे छू लिए, खाने को काहे छू लिए तुम। उसने कहा कि उसने कुछ बोला नहीं, दोबारा निकाल के अपने थाली में रखा जैसे खाना, उन संदीप दौड़ के इसे मारने लगे। सायंकाल एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें बड़ी बहन ने अभियोग पंजीकृत कराया है कि उसका छोटा भाई बहुभोज में खाना खाने गया था, वहाँ मारपीट किए। इस संबंध में CST एक्ट और जो धाराएं बनती है मारपीट की, उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है, और क्षेत्राधिकारी तरफगंज के द्वारा जो है इसको जांच की जा रही है। इसमें प्रकरण बेसिकली ये है कि जो पीड़ित है उसके चाचा के बहुभोज का कार्यक्रम था, उसमें पूरे गांव के लोग आमंत्रित थे, तो विपक्षी लोग भी आमंत्रित थे, किसी बात को लेकर के विपक्षियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई।
खबर फरुखाबाद से है, जहां जाफरी निवासी वन विभाग में कार्यरत बबलू कन्नौजिया के घर पर दो बेखौफ बदमाशों ने गिफ्ट देने के बहाने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और चेन लूटकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई है। घटना पर पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा ने सीसीटीवी फुटेज के आधार बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया है। जहाँ पर बबलू कन्नौजिया पुत्र प्यारलाल कन्नौजिया का मकान है, उनके घर पर उनकी पत्नी गीता देवी, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, वो निवास करती है। साथ ही साथ इनके पति भी और उनके दो बच्चे हैं। आज सुबह जब इनके पति अपने ड्यूटी पर चले गए थे और उनके बच्चे भी जब स्कूल चले गए थे, तो करीब 7:58 पर दो लोग इनके घर पर आए और इनकी बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद उन्होंने कहा कि आपका गिफ्ट है जो भैया ने भेजा है, और जो सामान आपने बिजली की दुकान से खरीदा था वहां से आपका गिफ्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में पड़ा मिला। घटना की जानकारी पर मृतक महिला के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों में रोष का माहौल है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पूरे मामले की सघनता से जाँच कराने के निर्देश दिए। क्या घटना हुई इनके साथ? भैंसों के लिए चारा काटने आई थी। हाँ हाँ। अब यहाँ पे चारा लेते समय कुछ लोग आए इनके पास। हाँ हाँ। अब उन्होंने इनके साथ मारपीट करी और मार के डाली गई थी खेत में। अच्छा, कहाँ के थे वो लोग, कुछ वो लोग पता पड़ा है? पता नहीं पड़ा है। अच्छा, कितने लोग थे ये कुछ मालूम पड़ा है? ऐसा करीब 3 लोग थे। अच्छा, इतना पता पड़ा है। तो मम्मी यहाँ क्या करने आई थी आपकी? मम्मी यहाँ पे चारा लेने। खबर रायबरेली से है, जहां सदर तहसील में दाखिल खारिज कराने आए बुजुर्ग के साथ फर्जी वकील 13,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित बुजुर्ग और बेटी का आरोप है कि दलाल खुद को अधिवक्ता बताता था, विश्वास करके दाखिल खारिज के नाम पर 13,000 रुपए की डिमांड को पूरा करने के बाद आरोपी वकील दाखिल खारिज की जानकारी करने पर बार बार टहला रहा है। हमारे पैसा ले लिया, हमारा काम भी नहीं किया। कौन है? लाल बहादुर सिंह। क्या करते हैं ये? पैसे से क्या हैं ये? जी, पैसे से क्या करते हैं ये लाल बहादुर? ये दलाली करते पैसा लेके, कहते हम वकील हैं। कब लिया आपसे पैसा? जनवरी में लिया। अच्छा, फिर आज क्या हुआ? आज कल हमने पैसा मांगने में काम नहीं किया, हमारी फाइल भी गायब थी, वकालत नामा उसमें भी नहीं लगा, तो हमारा पैसा दे दीजिए। अच्छा। और समय लड़ने लगे। तहसील आए तो तहसील में कोई काम नहीं हो पाया। और किस लिए लड़ाई हो रही थी? ये लड़ाई 1580 का मुकदमा था। 1580 का मुकदमा इन्होंने घेर फेर करके हमसे कहा कि मैं 1580 का मुकदमा जो कि ख़त्म करवा देंगे, इसलिए हमने कहा था। ये लाल बहादुर से क्या है ये पैसे से? ये पैसे से वकील काला कोट पहने घूम रहे हैं, 420 कर दे इधर उधर, और लोगों को फंसा कर उनका पैसा खा करके शराब पीते हैं। खबर रायबरेली से है, जहां महाराजपुर गांव के जंगलों में एक मानव कंकाल मिलने से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि जंगल के चलते आए दिन मानव कंकाल मिल रहे हैं। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मानव कंकाल को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मानव कंकाल काफी पुराना है, जाँच पड़ताल में संबंधित दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुराना नर कंकाल मिला है, जिसमें केवल खोपड़ी और कुछ हड्डियां हैं। इस सूचना पर तत्काल सरेनी पुलिस में फोरेंसिक टीम के मेरे साथ पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रधान के लिखित सूचना पर पीएम कराया जा रहा है, लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।